हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लम्हे। और आज है हमारे रिहर्सल का लास्ट डे और सबसे पहले आ गई हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई, बल्कि मैं आ गई हूँ कोई आधे घंटे नहीं, पौना घंटे पहले। 3:15 से मैं यहाँ पे बैठी हूँ और मैंने मैसेज देखा ही नहीं आज कि मैसेज डाला हुआ था कि 4 बजे से स्टार्ट है रिहर्सल और मैं आ गई 3:15 बजे, क्योंकि मेरे दिमाग में था शायद 3 बजे होगी और मैं ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो गई हूँ। तो बिना कुछ देखे फ़ोन उठाया के देखा भी नहीं, उसमें मैसेज भी नहीं देखा और आके देखा तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ था। खैर, वो तो गायत्री ने चाबी भिजवा दी थी। तो आज हमारे रिहर्सल का है लास्ट डे और सबसे पूछेंगे कि उनको कैसा लगा यहाँ पे रिहर्सल करके, और प्रोग्राम जो होगा बस वो आएगा। और इसके बाद जो है मैं रिहर्सल का कुछ भी शेयर नहीं करूँगी कि लास्ट रिहर्सल है, और उसके बाद जो है हम लोग सीधा मिलेंगे पवन स्टे पे। तो चलिए, ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो चुका है, आगे जो होगा आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो बने रहें मेरे साथ। आज हमारे लास्ट डे रिहर्सल का कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को, कैसा लग रहा है? आखिरी दिन है आज रिहर्सल का, कैसा लग रहा है सबको ये बताओ? बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे बढ़िया नहीं लग रहा है। मंडे से टाइम पास नहीं होगा 4 बजे के बाद, तब मैं क्या करूँ कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही ये बात। अभी तो ये होता है सो या नहीं सो, 4 बजे जाना है प्रैक्टिस के लिए। और फिर तू भी कहाँ मिलेगी? हाँ, रिकॉर्ड करेगी, सबसे बढ़िया बात। मेरे घर आ जाना मुझे रिकॉर्ड। ठीक है ठीक है। जैसे कि मैंने कहा पहले वाले ब्लॉग में कि मन नहीं लगेगा, बिल्कुल भी सही बात है। और बिंदु ने भी यही बोला कि मन नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तक ये कि काम खत्म करने के बाद चीज़ें रिहर्सल के लिए आ जाती थी, तो अच्छा सा टाइम पास भी हो जाता था, लोगों से मिलना हो जाता था, तो थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाती थी। अब वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, बुरा लग रहा है। आज रिहर्सल का हमारा लास्ट डे है, पूरा बदमाशी सब चला है। और आप लोगों में से लिटरली पूरा पूरा ये वाला तो आ चुके हैं सभी लोग, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सभी लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जो है हमारी रिहर्सल स्टार्ट हो चुकी है, पहले हो रही है प्ले की रिहर्सल, उसके बाद डांस और म्यूज़िक सभी की होगी। तो सभी लोग बैठ के जो है एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि आज लास्ट डे है। और जो भी छोटी मोटी हमारी गलतियाँ हो रही हैं उन्हें सुधारना है, क्योंकि कल है हमारा फाइनल डे यानी कि सेलिब्रेशन डे। तो सुबह से जो है हमारी तैयारियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये व्लॉग मैं आपके साथ 2 दिन का शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है सभी लोग बहुत ही खुश भी हैं, दुखी भी हैं, क्योंकि आज लास्ट डे है रिहर्सल में। रिहर्सल में बहुत मज़ा आता है, और इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट सेलिब्रेशन में मिलेंगे, वो कब होगा पता नहीं। तो सभी लोग जो है काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बैठ के, सभी लोगों ने बहुत सारी बातें की, गप्पे मारी, साथ साथ जो है अपनी सारी प्रैक्टिस की रिहर्सल की। तो बहुत मज़ा आया सबसे मिल के। तो आज जो है हमारा थोड़ा लेट तक ही रिहर्सल हुई, तो बस सभी लोग पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जो देखिए प्ले की हो चुकी है, अब यहाँ पे म्यूज़िक की जिन लोगों ने सॉन्ग करना है वो लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, और लास्ट डे है ये सोच के भी बड़ा दुख हो रहा था कि इसके बाद पता नहीं हम कब मिलेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब तो हो चुका है अगला दिन और सुबह के बज रहे हैं 9। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पार्क में जहाँ पे हमारा सेलिब्रेशन होने वाला है। तो टेंट वाले भैया आ गए थे, तो यहाँ पे जो है हम लोग अपने स्टेज बनवाएंगे और ये सारी चीज़ें जो हैं गायत्री की देख रेख में हो रही हैं, वही अच्छे से जो है सारी चीज़ों को देख के और सारे काम करवा रही हैं, उनके इंस्ट्रक्शन से जो है सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज हो रही हैं। तो टेंट वगैरह लगेगा, स्टेज बनेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन होगी वो हम सब मिल के कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारी सेलिब्रेशन की तैयारियाँ हो चुकी है सुबह से ही स्टार्ट। तो आगे जो होगा वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। क्या हाल चाल? बढ़िया, कैसे लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अब बड़ा लग रहा है ना, उस टाइम मैंने इमेजिन भी नहीं किया था इतना बड़ा होने। मैं तो पहले बोल रही थी इतना बड़ा तो नहीं आ रहा हूँ।
हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हो रही है हमारी वुमेंस डे की तैयारी। आज हमारा फाइनल प्रोग्राम, उसकी तैयारी सुबह से स्टार्ट हो गई है। तो सुबह से जो है यहाँ पे टेंट लग रहा है, स्टेज बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सभी लोग आ गए हैं एक बार फाइनल प्रैक्टिस के लिए। तो बस अभी यहाँ पे स्टेज पे एक बार फाइनल प्रैक्टिस करते हैं ताकि शाम को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरा तो वैसे ही फर्स्ट टाइम है, तो लंच वगैरह खा के और फटाफट यहाँ पर मैं जो है आ गई हूँ यहाँ पे। तो बस अभी जाके इसमें तैयारी करनी है। ड्रेसेस वगैरह सब निकाल लिए हैं मैंने, ड्रेस वगैरह सब कुछ करके रख लिया है। बाकी देखते हैं शाम को कैसा होता है। तो चलिए बने रहे मेरे साथ इस बारे में। तो यहाँ पे हो रही हैं लास्ट मिनट की तैयारियाँ। बैनर्स हमने लगा लिए हैं और बाकी जो छोटे मोटे काम हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। और सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, कोई 8:30 बजे से ये टेंट वाले आ गए थे और उसके बाद से जो है ये यहाँ पे पूरा डेकोरेशन कर रहे हैं। तो अब जो है दोपहर का टाइम है और मैं भी जो है लंच वगैरह करके नहा धो के आ गए थे। सभी लोग अब पहुँच चुके हैं क्योंकि हमें करनी है एक और रिहर्सल, मतलब फाइनल रिहर्सल, और उसके बाद जो है शाम की तैयारी हमारी कम्प्लीट हो जाएगी। हमारा बैनर भी लग गया, एक बैनर हम लगा लिया, एक भैया से लगवा लिया, दो बैनर लग चुके हैं। लास्ट मतलब लास्ट टाइम की जो है हमारी प्रिपरेशन चल रही है और बस अभी जो है प्रैक्टिस करेंगे। पहले प्ले की करेंगे क्योंकि सारे प्ले में जितने पार्टिसिपेंट्स थे वो सब आ चुके हैं, वैसे भी डांस के भी आ ही चुके हैं, ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। बस अभी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद घर भी जा रहा हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मेरी ड्रेसेस तो निकल गई हैं लेकिन अभी मैंने पहन के एक भी नहीं देखी है। तैयार भी होना वैसे है तो सिंपल सी लग रहा है, हो जाएगा। थोड़ा सा इधर हो जाना, तो फाइनली हमारा स्टेज बन चुका है पूरी तरीके से। सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं स्टेज पे, ताकि हम एक बार जो है स्टेज पे भी रिहर्सल कर सकें, ताकि हमें शाम को कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सभी की एक्साइटमेंट और खुशी आप देख सकते हैं। गायत्री सभी को अपनी पोजीशन यहाँ पे बता रही हैं और हम जो है अच्छे से परफॉर्म कर सकें उसके लिए जो है हम यहाँ पे एक रिहर्सल और करेंगे। और जो भी प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोग यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। धूप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, कुछ लोग यहाँ पे गपशप भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो है यहाँ पे एक दूसरे की जितनी भी हेल्प हो सकती है वो कर रहे हैं। जिनको कोई भी प्रॉब्लम है वो आपस में मिलके हम कर लेते हैं। और अब यहाँ पे तैयारी चल रही है डेकोरेशन की, यहाँ पे बनेगी फूलों की रंगोली जिसके लिए सभी लोग आपस में मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और बहुत सुंदर सी यहाँ पे रंगोली बनने वाली है जो कि यहाँ पे बना रही है बिंदु, ये देखिए, और सभी लोग जो है उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो बस थोड़ी सी हेल्प मैं भी करूँगी और उसके बाद जो है अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। म्यूज़िक सिस्टम भी अभी लगने वाला है, वो लोग आए नहीं अभी। तो बाकी सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, लास्ट मिनट की तैयारियाँ चल रही हैं। तो शाम का सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया होने वाला है, बस उसी का वेट मैं कर रही हूँ। तो चलिए करते हैं तैयारियाँ। प्रैक्टिस हमारी हो गई है और अभी जो है हमारा डेकोरेशन हो रहा है यहाँ पे। फ्लावर का डेकोरेशन हम ही कर रहे हैं और बाकी टेंट वगैरह सब कुछ कर चुका है, छोटे मोटे काम भी रह गए हैं, उसको जो है टेंट वाले भैया कर रहे हैं। और यहाँ पे डेकोरेशन हो रहा है फूलों की जो कि हम सब मिल के कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए पीछे सारे लोग यहाँ बैठे।
सभी लोग ने मिलजुल के जो है सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली हैं, सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हो रही है यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट, और यहाँ पे जो है वो भी सारी चीज़ें हम ही कर रहे हैं। पार्क में कुछ बेंचेस हैं वो लगा दिए हैं, बाकी कुर्सियाँ जो हैं हमारी RWA एसोसिएशन है वहाँ से हमने ले ली हैं, कुछ कुर्सियाँ जो है मंदिर से ले ली हैं। तो इसी तरीके से जो है मिलजुल के सारी तैयारियाँ हमारी हो चुकी हैं पूरी कंप्लीट, और ये छोटा सा सेलिब्रेशन भी जो है काफ़ी अच्छा हमारा हो जाता है और सभी को जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है ये करके। ये देखिए कितनी अच्छे से हम लोगों ने पूरा अरेंजमेंट किया है। यहाँ पे देखिए सिटिंग एरिया हमारा बन चुका है, सारे स्टेज वगैरह जो है अच्छे से हमारा लग चुका है, पूरा यहाँ पे डेकोरेशन हो चुका है फूलों का, बहुत सुंदर सी रंगोली हमने बना ली है। तो सारे काम मिलजुल के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से सभी ने तैयारी की, बहुत ही जोश के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत खुशी के साथ, और सभी लोग जो है इसी तरीके से परफॉर्मेंस भी करने वाले हैं शाम को। तो बस यहाँ पे जो है कुछ लोग ही रह गए हैं, बाकी लोग जा चुके हैं, तैयार होके आएंगे वापस। तो यहाँ पे देखिए म्यूजिक सिस्टम भी हमारा बस अब लगने वाला है, वो भैया आ चुके हैं लगाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ जो है इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, यानी कि अपने सेलिब्रेशन व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लिए अपनों के साथ। डॉल धन, बाय बाय।